तो मेरा नाम कुशल कुमार, जिन्हें बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में, जो कि स्मार्ट प्लस वेरिएंट रहने वाला है। मैंने आपको साल का बिल्कुल 20 मॉडल दिखाई दिया था जो कि स्मार्ट वेरिएंट था, पर लेकिन काफी बंदे ऐसे हैं जिनको आफ्टर मार्केट काम बिल्कुल नहीं कराना, कार में बेसिक फीचर्स तो होने चाहिए, तो फिर उनको ये वाला वेरिएंट काफी पसंद आने वाला है। ये स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, अगर आप 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा देते हैं बेस मॉडल पे तो फिर आपको ये वाला वेरिएंट मिल जाएगा। फिर इतने प्राइस में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाएंगे वो सब कुछ वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस टाइम मैं खड़ा हूँ टाटा मेडास मोटर्स पर, रुड़की उत्तराखंड में। इनका शोरूम मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार में भी है। सभी शोरूम्स की कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर शो रही होंगी। अगर आपको कोई सी भी टाटा की कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट इसकी की से ही करता हूँ, क्योंकि आपको उसमें रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको आफ्टर मार्केट सेंटर लॉकिंग लगवाने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो डोर्स हैं वो पूरे ओपन हो जाते हैं। वो आपको इस वाले वेरिएंट से रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, पर लेकिन जो दूसरी वाली की रहेगी वो आपको बेसिक सी मिल जाती है। और ये वाली मिल जाएगी आपको फ्लिप की, जिस पर आपको लोकल लोका मिल जाता है, फॉलो मी होम एडम का हो गया बटन, और लुक्स तो पूरे गजब रहने वाले हैं इस कार के। अगर आप फ्रंट से इस कार को देखते हैं तो आप लोअर वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो फ्रंट से तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बेस डीआरएल्स आपको बेस मॉडल से ही ऑफर हो रही है, और एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स और जो साइड प्रोफाइल है इसमें भी आपको व्हील कवर्स नहीं मिलते हैं। तो फिर एक एक करके सभी फीचर्स को देखने वाले हैं, आपको उस वाले वेरिएंट में क्या क्या ऑफर करे जाते हैं, कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहेगा, 1 लाख रुपीज वर्थेड है या फिर नहीं वर्थेड है, एक एक करके हम सभी फीचर्स को देखने वाले हैं। और बात करते हैं उस कार के एक्सशोरूम प्राइस के बारे में, तो 9,10,000 रुपीज के एक्सशोरूम प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाएगी। फिर ये रही इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट में आपको मिल जाएंगे एलईडी आरएस, एलईडी इंडिकेटर्स भी आपको इसी में मिल जाते हैं, डुअल फंक्शनिंग के साथ रहेंगे, आपको यहाँ पर भी लाइंस मिल जाती हैं। और जो ग्रिल है इस कार की वो आपको पूरी क्लोज मिलेगी पियानो ब्लैक फिनिश में, टाटा का लोगो हो गया। इस कार का जो फ्रंट डिजाइन है पूरा फ्यूचरिस्टिक सा है, एलईडी रिफ्लेक्टर हो गए यहाँ पर हेडलैम्प्स। ओवरऑल कुछ तरह की रहेगी इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, सिल्वर स्किड प्लेट या कुछ ऐसा आपको नहीं मिलता है फ्रंट में, फ्रंट प्रोफाइल पूरी सेम रहने वाली है। और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की, बेस मॉडल में आपको व्हील कवर्स नहीं मिलते, आपको इस वाले वेरिएंट में भी व्हील कवर्स नहीं मिलेंगे। प्रोफाइल सेम रहने वाली है, 16 इंच के मिल जाएंगे आपको इसमें, 195/60 R16 की प्रोफाइल रहेगी। इसके ऊपर साइड आपको क्लैडिंग मिल जाती है जो कि कार की पूरी बॉडी तक रहेगी, बट जो इस कार के ORBMs हैं वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिल जाएंगे पियानो ब्लैकनेस में। यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में, जैसे आप देख सकते हैं ये कलर हो गया बॉडी कलर का। ऊपर साइड आपको रूफ रेस नहीं मिलेंगी, यहाँ पर आपको मैट ब्लैक में लाइन मिल जाती है। जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं। और ये रहा इंटीरियर इस कार का जो कि डार्क कलर में रहने वाला है, ये करके हम सभी फीचर्स को देख लेंगे आपको क्या क्या ऑफर करे जाने वाले इस कार में। ग्लो करता हुआ टाटा का लोगो आपको बेस मॉडल में मिलता है, और ये रहे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORBMs जो आपको इसी वेरिएंट से मिलने स्टार्ट होते हैं। वो क्या क्या फीचर्स फिर इंटीरियर में है वो सब कुछ देख लेंगे। फिर ये ओवरऑल इस कार की साइड प्रोफाइल, डायमेंशन वाइज आप इसको देख सकते हो तो काफ़ी बढ़िया है इस कार की डायमेंशन। रस में आप रूफ रेस भी लगा लेंगे तो फिर थोड़ी ऊंची लगने लगेगी। फिर ये कंबाइन लुक बैक साइड प्रोफाइल की, वो ये बैक प्रोफाइल, बैक में आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, बेस वेरिएंट से ही ऑफर होती है, पर लेकिन जो बीच में रहती है ना यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस ही मिलती है, यहाँ पर आपको फंक्शनिंग में नहीं मिलेगी LED टेल लाइट। और इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि LED में रहने वाले हैं, यहाँ पर हो गया टाटा का लोगो, बैक लाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और स्टॉप लैंप भी। ऊपर साइड हो गया शार्क फिन एंटेना जो कि आपको स्मार्ट प्लस वेरिएंट से ऑफर होता है। नेक्सॉन की बैजिंग होगी यहाँ पर स्पेस देखकर लिखा गया है, रिफ्लेक्टर्स और बैक लाइट होगी यहाँ पर, दो पार्किंग सेंसर्स। फिर ओवरऑल किस तरह की लगती है इस कार की बैक प्रोफाइल। अब चलिए हम आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस आपको सर की बूट में ऑफर कराया जाता है। एक फीचर तो ये कि आप इस कार का बूट को लो करने के लिए आपको डैशबोर्ड में मिल जाता है जहाँ पर सेंटर कंसोल है इस कार का, वहाँ से भी आप बूट को ओपन कर सकते हैं। फिर भी आप ओपन करना चाहते हैं तो फॉलो मी होम एडम का जो बटन है, जब उसको प्रेस करके रखेंगे जो कार का बूट है वो अनलॉक हो जाएगा। ये फीचर आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है, आपको बेस मॉडल में इंटीरियर में जाके कार की बूट को अनलॉक करना पड़ेगा। और ये रहा इस कार का बूट, 5 ट्रे आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी। और ये इस कार का स्पेयर व्हील, 16 इंच का रहने वाला है, सेम प्रोफाइल है जो कि काफी बढ़िया बात है, यहाँ पर आपको हैंग करने के लिए हुक मिल जाते हैं। तो ये तो बात है इस कार के एक्सटीरियर के बारे में, सिर्फ कुछ फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस कार के एक्सटीरियर में। कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो कि आपको बेस मॉडल से मिलते आ रहे हैं इस कार में, ऐसे LED लाइट हो गई, LED आरएस हो गए, ये आपको बेस मॉडल में मिल जाते हैं। पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको इसी वेरिएंट से मिलने स्टार्ट हुए हैं, जैसे ORBMs आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में रहेगा ORBM इस कार का, और शार्क फिन एंटेना हो गया,
कुछ ऐसे फीचर्स आपको स्मार्ट प्लस वेरिएंट में मिलते हैं और जो मेन फीचर्स में डिफरेंस रहेगा वो उस कार के इंटीरियर में है। जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो पहले फीचर्स दिखा दूंगा, फिर 1,00,000 रुपए जो वर्थ इट है क्या। जैसे मैंने आपको बताया थी वीडियो के स्टार्टिंग में, जो बंदे ऐसे होते हैं जिनको आफ्टर मार्केट काम बिल्कुल नहीं कराना, उनके लिए वाला वेरिएंट बिल्कुल बेस्ट है। तो जो फीचर्स में जो चेंज कराते हैं आफ्टर मार्केट करवाते हैं वो इंटीरियर में कराते हैं। जब मैं इंटीरियर में चलूंगा आपको वाले फीचर्स दिखा दूंगा क्या क्या ऑफर करेगा आपको इस वाले वेरिएंट में। तो इसका हम आपको 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज रिवेट्रॉन इंजन मिल जाएगा, 1200 सीसी का जो कि प्रोड्यूस करता है 118 bhp की पावर, 170 Nm का टॉर्क, 3 सिलेंडर में रहती है कार। उसका का इंटीरियर दिखा दो फिर क्या क्या ऑफर करा जाने वाला आपको उसका का इंटीरियर में। दूसरा का रहने वाला इंटीरियर कार का जो कि पूरा डार्क कलर का रहने वाला है, उसको बता रहा हूँ। वो जो डोर है वो भी आपको डार्क कलर का मिल जाएगा। आप इसमें आफ्टर मार्केट यहाँ पर सॉफ्ट टच लगवा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी कुछ चेंजेस करवा सकते हैं। वो ये ड्राइवर साइड डोर, ये पूरा ब्लैक कलर का रहेगा, डोर नो गया ब्लैक कलर का। चारों पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए, ड्राइवर साइड आपको ऑटो पुल डाउन पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हो गए इसका RVM, यहाँ पर उसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। बड़े स्पेस हो गया, डिफरेंट स्पेस, स्पीकर, अम्ब्रेला होल्डर, चार स्पीकर रहेंगे यहाँ पर हो गए, पार्ट लैम्प। वो बाहर से देखने में उस तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। वो ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट का फीचर आपको उसमें नहीं मिलता है, सिर्फ आपको यहाँ पर रिक्लाइन करने का मिल जाएगा। और ये कार का बैक डोर, डोर बना गया ब्लैक कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, बट स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस और स्पीकर। दूसरा का रहने वाला इंटीरियर कार का, ये करके हम सभी फीचर्स को देखने वाले हैं क्या क्या ऑफर करे जाते हैं आपको इस कार के सेकंड बेस वेरिएंट में, जो कि स्मार्ट प्लस वेरिएंट रहने वाला है। जो बेसिक फीचर्स आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं बेस मॉडल के अगर आप कंपेयर करते हैं तो, वो आपको इंटीरियर में दिए जाएंगे। सबसे पहले चाहता हूं मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही, तो यहाँ पर आपको ग्लो करता हुआ टाटा का लोगो मिल जाएगा, जो कि आपको बेस मॉडल में भी मिल जाता है। बस जो आपको स्टीयरिंग बॉडी कंट्रोल्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। और ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाएगा, यहाँ पर फ्यूल और टेम्परेचर के लिए, बीच में होगी MID जिसमें कितना चली है कार, क्या माइलेज दे रही है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको जिसमें दिखती रहेंगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाता है इसमें, कितना प्रेशर है वो तो आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर कितना माइलेज दे रही है ट्रिप का सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिखती रहेगी। कुछ होगी इसमें अलर्ट लाइट्स, वो ये ड्राइवर साइड एसी वेंट, हेडलाइट की बीम के लिए, ये रहा वाइपर के लिए, ये रहा फिर सेंटर कंसोल इस कार का। 7 इंच का टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम रहने वाला है इस कार में, जो कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो पर कार प्ले के साथ रहेगा। यहाँ पर होगी एसी वेंट्स, मैनुअली एसी रहेगी, उस तरह कंट्रोल्स रहते हैं। अब इसके टॉप मॉडल या फिर इससे जो अपर मॉडल्स भी आने लगे हैं, जो प्योर वेरिएंट हो गया, उसमें आपको टच बटन्स मिल जाते हैं। काफी बंदे ऐसे हैं जिनको मैनुअली पसंद आ रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। यहाँ पर कार की बूट का लॉक करने के लिए हो गया हजार्ड लाइट का बटन, पियानो ब्लैक फिनिश रहती है यहाँ पर। इस टाइम यहाँ पर लैमिनेशन लगी हुई है। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहेगी कार। अगर आप टॉप मॉडल के साइड से अपर मॉडल जो आते हैं प्योर वेरिएंट, उसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर हो गया ड्राइव मोड, CD, इको एंड स्पोर्ट्स, कप होल्डर्स हो गया, ये रहा हैंड ब्रेक, कप होल्डर हो गया, यहाँ पर थोड़ा स्पेस है। और ये ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा। ये IRVM, मैनुअली DNH एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर। कैबिन लैंप हो गया LED में, जो काफी बढ़िया बात है। पैसेंजर साइड एयरबैग ऑन ऑफ का आपको यहाँ पर मिल जाता है, पैसेंजर साइड आप एयरबैग ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये रहा ड्राइवर साइड डोर इस कार का, डोर नो गया ब्लैक कलर का, यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, पावर विंडो कंट्रोल है, बटर स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर। और ये रहा इस कार का ग्लव बॉक्स, कितने साइज का रहेगा। और ये इस कार की फ्रंट सीट, जिसमें आपको मिल जाएंगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फैब्रिक सीट्स रहती है, उस तरह की रहेंगी जिससे आप देखते पूरी ब्लैक कलर में रहने वाली है। और यहाँ पर भी आपको एयरबैग मिल जाते हैं, टोटल 6 एयरबैग इस कार में बेस मॉडल से ही। तो ये तो बात है इस कार के फ्रंट सीट पर बैठकर आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। अब चलिए फिर लेके चलता हूँ उस कार की रियर सीट पर, वहाँ पर आपको कितना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया हो जाए कितना लेग लूँ। वहाँ पर मेरी हाइट 6 फीट है। फ्रंट में कैबिन लैंप मिल जाते हैं, फिर आपको यहाँ पर बैक में कैबिन लैंप नहीं मिलेंगे, ग्रैब हैंडल हो गया, फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको मिल जाएंगे एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो कि दो रहने वाले हैं। आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। वही बैक डोर इस कार का, डोर हो गया ब्लैक कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गए। और आप इस कार का स्मार्ट प्लस वेरिएंट लेते हैं, तो उसमें आपको रेयर डोर में पावर विंडो कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। इसके बेस मॉडल में आपको पावर विंडो कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, ग्रैब हैंडल हो गया, यहाँ पर TDC वेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पर कितने स्टैच हो गया हम। तो भी ओवरऑल उस तरह का इस कार का इंटीरियर, जो फीचर्स आपको इसका इंटीरियर मिल जाते हैं ना, कुछ सभी दिखा दिए हैं। तो वैसा ना उस तरह का 10 कार का बोख रहा हूँ, जो फीचर्स आपको इसका इंटीरियर एक्सचेंज मिल जाते हैं ना, कुछ सभी दिखा दिए हैं। तो वैसा मैंने देखा आपको 7 इंच का टस्किन एंटरटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा विद स्पीकर, रियर डोर में पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। मेन तो ये रहती है, आफ्टर मार्केट करवाने में काफी प्रॉब्लम आती है इसमें। एक्सचेंज के फीचर्स तो मैंने आपको बताया दिए, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल RVMs मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में,
शार्क फिन एंटीना मिल जाते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स आपको बेस मॉडल में नहीं मिलते, आपको स्मार्ट प्लस वेरिएंट में दिए जाएंगे। तो चलिए आपको साल के और वेरिएंट की वीडियो देखनी है, किसी और कार का बुक राउंड देखना, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।